आशा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरोई के पत्ते की मिक्स कढ़ी। ये इसके लिए सबसे पहले हमको अरोई का पत्ता लेना है, ये हमारे गार्डन से तोड़ के लाई हूँ। फिर भिगाई हुई उड़द की दाल, फिर धनिया पाउडर, इसमें मसाला तैयार करने के लिए हल्दी पाउडर, दालचीनी। पहले हम मसाला तैयार करूँगी। इसके लिए हमको लेना होगा एक प्याज कटी हुई और लहसुन का टुकड़ा, थोड़ा सा थोड़ा कटी हुई अदरक, हरी मिर्ची, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। फिर और इसमें थोड़ा एक तेज पत्ता, दालचीनी, थोड़ा सा एक बड़ी इलायची और दो तीन लौंग, थोड़ा सा जीरा। अब मैं मसाले को तैयार करूंगी। हमने मसाला पीस लिया है। अब कढ़ी बनाने के लिए हमको दाल पीसना है। मैं अरुई के पत्ते छोटे छोटे पीस में इसको काट रही हूँ। पहले अगर आपका पत्ता बड़ा है तो आप इसको लपेट कर ही दाल के साथ बना सकते हैं आराम से, लेकिन ये छोटा है इसलिए मैं इसको काट रही हूँ। अब हमने दाल पीस लिया है और अरुई का पत्ता भी बारीक काट लिया है। अब इसको इसी दाल में मिलाऊंगी। फिर इसमें थोड़ा सा हींग डालूंगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा पीसा हुआ मसाले। स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा पिसी हुई काली मिर्च। अब इसमें सब मसाले मिला दिया हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है हमको। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, फिर इसका पकौड़ा तलूँगी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही पुराना डिश, पूर्वांचल की बहुत ही फेमस डिश है ये, जो इसको काफ़ी लोग बहुत पसंद करते हैं। तेल अब हमारा बिल्कुल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं छोटा छोटा पकौड़े तलूँगी। धीमी आंच पर इसको तलना है। आपको पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि इसमें सब्जियां उपलब्ध नहीं है, मिल नहीं पा रही है, इसलिए आपको ये मैं बता रही हूँ कि ये आसानी से बनने वाला डिश है। अरुई का पत्ता अगर नहीं मिलता है तो आप दाल का भी खाली बना सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा बनता है। हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैंने दाल पहले कढ़ी बनाने के लिए रख लिया था। अब मैं कढ़ी बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले तेल में थोड़ा सा मेथी डालूँगी, फिर थोड़ा सा हींग डालूँगी, फिर इसमें जब ब्राउन कलर का हो जाएगा तब इसमें दाल डालूँगी, पिसी हुई दाल। इसको दाल को हमको धीरे धीरे फ्राई करना है। दाल हमने अच्छी तरह भून लिया है ताकि कढ़ी का स्वाद एकदम अलग आए। इसको अब एक प्लेट में निकाल। अब मैं मसाला भूनने जा रही हूँ कढ़ी के लिए। सबसे पहले इसमें जीरा डालूँगी, फिर पिसा हुआ मसाला डालूँगी, फिर थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी,
फिर इसको धीरे धीरे चलाते रहना है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें। मसाला एकदम हमने अच्छी तरह से इसको भून लिया है। खुशबू अच्छी आने लगी है इसमें। दाल हमने जो फ्राई किया था कढ़ी के लिए, उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको इसी तरह से अच्छी तरह घोल बना लेना है। फिर मसाले के साथ में मिक्स करना है। फिर इसमें धीरे धीरे इसको चलाते रहना है। एकदम ये अलग दिखाई दे रहा है। पानी आप इसमें जितना आपको लेना है, कढ़ी बनाना है उसी हिसाब से आप इसमें पानी डालना है। फिर ये धीरे धीरे अच्छी तरह इसी में पकेगा। पकने के बाद फिर मैं इसमें पकौड़ा को डालूंगी। ये एकदम बनकर तैयार हो गई है, धीमी आंच पर पक गई है। अब इसमें मैं पकौड़ी डालूंगी। पकौड़ी डाल के फिर इसको प्लेट में उतारूंगी। देखने में खूब अच्छी लग रही है। हमारी बन गई है। इसको आप चाहे पराठा के साथ खाइए, चाहे चावल के साथ खाइए, सब में ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अलग तरीके से बनने वाला डिश है। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।